नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। आज सारा देश रंगों के त्योहार होली की खुशियां मना रहा है, लेकिन इस बार की होली में लोगों को खुशियां बरकरार रखने के लिए बेहद संयम और सावधानी के साथ इस त्योहार को मनाना होगा, क्योंकि देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब के आंकड़े ज्यादा डरा रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों में सार्वजनिक होली पर पाबंदी लगा दी गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि घर पर रहें और कोरोना काल में सुरक्षित होली खेलें। वहीं नियम तोड़ने वालों पर कई राज्यों में भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। हम भी आपसे अपील करेंगे कि होली का ये त्योहार इस बार थोड़ा अलग है, इसीलिए पूरी सावधानी आपको बरतनी है और अपने साथ साथ पूरे परिवार को भी कोरोना की चपेट से बचाना है। रंगों का त्योहार होली, खुशियों का त्योहार होली, लेकिन आज होली के दिन खुशियों को कोरोना का ग्रहण न लगे, इसलिए देश को होली पर संयम और सावधानी के साथ त्योहार मनाना होगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। कई राज्यों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों में होली के सामूहिक आयोजनों पर रोक है और देश भर में लोगों से अपील की जा रही है घर पर रहकर सुरक्षित होली खेलें। लेकिन होली के दिन ये सावधानी क्यों जरूरी है, पहले ये भी समझ लीजिए। पिछले 24 घंटे में देश में बढ़े कोरोना के मामले अल्टीमेटम दे रहे हैं कि होली पर सावधानी नहीं बरती गई तो कोरोना के हालात और बिगड़ सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 62,714 नए मामले सामने आए। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 312 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 28,739 लोग ठीक भी हुए हैं। इस वक्त देश में कोरोना के एक्टिव केस 4,86,310 है, यानी देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को होली की शुभकामनाएं देते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है। देश के तमाम राज्यों के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामले डरा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली वालों को भी होली में सावधान रहना होगा। दिल्ली के कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,881 नए मामले सामने आए हैं। 13 दिसंबर के बाद ये सबसे ज्यादा कोरोना के केस हैं। 13 दिसंबर को 1,984 नए कोरोना केस सामने आए थे। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण दर भी 2% से ज्यादा है और 14 दिसंबर के बाद पहली बार ये दर 2% से ज्यादा हुई है। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस 7,545 है और 24 दिसंबर के बाद दिल्ली में ये सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये आंकड़े दिल्ली को डराने के लिए काफी हैं और यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से घरों के अंदर रहकर होली खेलने की अपील की है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़े हैं, इसी के मद्देनजर इस बार सार्वजनिक तौर पर आयोजित हो रहे होली कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहा हूं। आप सभी से अपील है कि केवल अपने परिवार के साथ होली मनाएं और भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों से बचें। कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें। देश के कई राज्यों की तरह दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली समारोह पर पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली में भीड़ जमा करके होली खेलने वालों पर कार्रवाई होगी। लोगों से घर में परिवार के सदस्यों के साथ होली खेलने की अपील की गई है। ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का पालन करवाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात रहेंगे।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी लोगों से घरों पर होली खेलने की अपील की है और नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। होली को परिवार के साथ घर के अंदर मनाएं, हम लोग कोरोना के नियमों का पालन करेंगे तो उसका जल्दी से छुटकारा पाएंगे, अगले साल खूब धूमधाम से मनाएंगे। अभी लोगों को आप मैसेज भेजिएगा, वीडियो मैसेज भेजिएगा, फोन पे बात कीजिएगा और घर में मनाइए। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है। दिल्ली के अलावा देश के कई राज्यों में होली के सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में बिना सरकारी आदेश के कोई सार्वजनिक समारोह नहीं होगा। वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में भी होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों में पूरी तरह से प्रतिबंध है। साफ है ये प्रतिबंध आपकी सुरक्षा के लिए है। कोरोना फिर से अपना असर दिखा रहा है, ऐसे में देश को मिलकर होली में संयम और सावधानी के साथ कोरोना से जंग जीतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।